डियर स्टूडेंट्स, एक बार पुनः जीपीएस ऑनलाइन क्लासेज में मैं राजेश सेन आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं और टॉपिक हमारा जो चल रहा है इनडायरेक्ट स्पीच, उसके संबंध में आगे बातचीत करने वाले हैं। इनडायरेक्ट स्पीच को लेकर के कुछ बातें मैंने आपसे पहले की हैं, उसमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस हुई और इनडायरेक्ट स्पीच में हमें कौन कौन से सामान्य रूल्स को या इस प्रकार के सामान्य परिवर्तनों को ध्यान में रखना होता है, ये बातचीत मैंने आपसे अभी तक की है। आज हम विशेष रूप से बात करने वाले हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंस को लेकर के। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में किस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में रूल्स लागू होते हैं और इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी होती हैं, इसी को लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, आरवी जिसे शॉर्ट में आरवी लिख रहे हैं वो फुल फॉर्म में रिपोर्टिंग वर्ब है, और आरएस जिसे फुल फॉर्म में हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कोमा का हिस्सा है और रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कोमा के बाहर का हिस्सा है। अब आरवी और आरएस को लेकर के जो मुख्य बात मैंने आपको एक बताई है, इम्पोर्टेंट नियम जो आपको मैंने लिखवाया है वो ये है कि आरवी जब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर में होती है तो आरएस का टेंस परिवर्तन नहीं होता, आरएस का टेंस परिवर्तन नहीं होता। और ये टेंस परिवर्तन नहीं होता है, इसी को हमारे इंग्लिश में कहते हैं जीरो मॉडिफिकेशन। क्लियर? इसके बाद हम देखें, जब ये हमारी आरवी पास्ट में होती है तो आरएस का टेंस परिवर्तन किया जाता है, आरएस का टेंस परिवर्तन किया जाता है। ये जो आरएस का टेंस परिवर्तन हम करते हैं, इसके लिए एक छोटा सा टेंस चार्ट मैं आपको बता देता हूं कि किस प्रकार से ये टेंस परिवर्तन होता है। देखिए, सबसे पहले हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस बदलेगा किस में? पास्ट सिंपल में। सेकंड वन, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बदलेगा किस में? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज किस में होगा? पास्ट परफेक्ट में। फोर्थ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, यानी प्रेजेंट के चार टेंस पास्ट के चार टेंसों में चेंज हो जाते हैं। फिर पास्ट वालों में लेते हैं तो दो चेंज होते हैं, दो चेंज नहीं होते। पास्ट का फर्स्ट चेंज होता है पास्ट सिंपल, पास्ट का सेकंड चेंज होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट सिंपल को जब आप चेंज करोगे तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को चेंज करोगे पास्ट परफेक्ट
कंटिन्यूस में चेंज होगा। अब यहां एक बात समझने की ज्यादा आवश्यकता है कि प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करो तो भी पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, और पास्ट सिंपल को चेंज करो तो भी पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। इसी प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूस को चेंज करोगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को, और पास्ट के सेकंड पास्ट कंटिन्यूस को चेंज करोगे तो वो पास्ट के चौथे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा। तो जब मैंने यहाँ पर जो विशेष तीर के निशान लगाए हैं इन्हें आप ध्यान से देखें समझें, तीसरा और पांचवा दोनों सेम चीज स्थिति में बदलते हैं। इसी प्रकार से चार का और छः का दोनों सेम सिचुएशन में चेंज होते हैं। फिर हमारे दो टेंस हमारे पास और बच जाते हैं पास्ट में, एक तो पास्ट का परफेक्ट और लास्ट का पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये टेंसेज जब डायरेक्ट स्पीच में आ जाए तो इन्हें इनडायरेक्ट में चेंज नहीं किया जाएगा। तो मैं यहां आगे लिखूंगा इन दोनों के सामने नो चेंज, यानी फास्ट के दो टेंस ऐसे हैं जिन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। अब आगे की बात के लिए हम फ्यूचर में नहीं जाएंगे, क्योंकि फ्यूचर टेंस को पढ़ने के लिए जिन दो हेल्पिंग वर्ब्स का सहारा लिया जाता है सेल और विल, वे एक्चुअल में इंग्लिश के मॉडल्स होती हैं। और इसी के साथ दो मॉडल और है कैन और मे, ये चारों प्रेजेंट को शो करते हैं सेल विल कैन और मे, और इन्हें चेंज करना है क्रम से शुड वुड कुड और माइट में, इन्हें चेंज क्रम से इस तरीके से करना है। क्लियर? फिर आपके पास जो मॉडल बच जाते हैं उन्हें चेंज नहीं करना है। बच कौन कौन से गए? मस्ट बच गया, दो नेगेटिव में यूज होते हैं नीड नॉट और डेयर नॉट, ये दोनों बच गए नीड नॉट और डेयर नॉट। एक इंग्लिश का मॉडल बच गया आपका ओट टू, एक मॉडल बच गया यूज्ड टू, और चार ये जिनको मैंने इधर पास्ट में लिखा है कौन कौन से शुड वुड कुड और माइट। तो कुल मॉडल हुए एक दो तीन चार पांच छः सात आठ और नौ, चार बदलते हैं तेरह में से, ये नौ नहीं बदलते। तो इनके सामने मैं वही लिखूंगा नो चेंज। तो टेंस संबंधी नियमों में आपको ये छोटा सा चार्ट है जो निश्चित रूप से याद होना ही होना चाहिए, अन्यथा इनडायरेक्ट स्पीच में आरवी का जो टेंस बदलना होता है, सॉरी आरएस का जो टेंस बदलना होता है जब आरवी पास्ट में होती है तो हमारे सामने दिक्कत आती रहती है। दो बातें मैंने इंपॉर्टेंट में लिखी है, आरवी के प्रेजेंट अथवा फ्यूचर में होने पर आरएस का टेंस नहीं बदलना है, आरवी के पास्ट टेंस में होने पर आरएस का टेंस परिवर्तन करना है। क्लियर? टेंस परिवर्तन किस तरीके से करना है ये बात हमें यहां पर लिखी हुई है। सेकंड जो बात मुझे आज आपको विशेष रूप से बतानी है वो ये है कि हमारी आरएस के सेंटेंस की जो स्थिति है वो इंपेरेटिव टाइप की होती है या एक्सक्लेमेटरी टाइप की होती है, एक तो इंपेरेटिव की और सेकंड कौन सी एक्सक्लेमेटरी टाइप की होती है। तो ऐसी दोनों स्थितियों में हमें कौन कौन से नियम ध्यान में रखने होते हैं वो हमें और पता होना चाहिए। देखिए मैंने बताया था आपको इंपेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो सकते हैं, डोंट या डू नॉट से प्रारंभ हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैंने आपको बताया था कि ये सेंटेंस प्लीज अथवा काइंडली से स्टार्ट हो सकते हैं,
और मैंने आपको यहाँ पर यह भी बताया था कि ये वाक्य लेट से भी स्टार्ट हो सकते हैं, तो ये तो इनको एक पहचानने का तरीका हो गया। सेकंड, मैंने आपको यहाँ पर बताई थी कि इन सेंटेंस के कंजक्शन के रूप में हम किसका यूज करते हैं, टू का, और जो टू है उसकी नेचर होती है कि उसको अपने बाद क्या चाहिए, मेन वर्ब चाहिए, फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो जब फर्स्ट फॉर्म है तब तो समस्या नहीं है, पर जब सेंटेंस डू नॉट या डोंट से प्रारंभ हो रहा है तब आपको डोंट या डू नॉट को हटा के फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। प्लीज या काइंडली का यूज हो रहा है तो प्लीज या काइंडली को हटा करके फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। अर्थात कंजक्शन के रूप में जब आप टू का प्रयोग कर रहे हो इंपेरेटिव सेंटेंस में, तो फिर आपको टू के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज करना चाहिए, ये बात ध्यान रहनी चाहिए। एक इन सेंटेंस में भी टेंस चेंज नहीं करना है, क्योंकि जब फर्स्ट फॉर्म की बात आ जाएगी तो टेंस चेंज नहीं होगा। इंपेरेटिव सेंटेंस में ये तीन बातें अगर आप ध्यान रखते हो तो इंपेरेटिव सेंटेंस आपके सही हो सकते हैं। बात आती है विशेष रूप से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को लेकर के। जो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उनमें एक तो अलग अलग मीनिंग के अनुसार वर्ड होते हैं, जो आपको मैंने बताए थे, जैसे अल्लास, हुर्रा, कई बार ओहो शब्द का यूज भी हो जाता है। इसके अलावा इंग्लिश में एक वर्ड चलता है ब्रेवो, उसका यूज कर दिया जाता है। या सेंटेंस व्हाट और हाउ से, व्हाट या हाउ से एक्सक्लेमेटरी में चेंज हो जाता है। तो अब आप यहां विशेष रूप से ध्यान रखें कि जिन सेंटेंस में अल्लास शब्द का यूज हो रहा है तो अल्लास को हटाने के लिए आपको एक्सक्लेम्ड विथ शोरो इस शब्द का यूज करना पड़ता है, या ये एक विशेष फ्रेज है जिसको आपको अल्लाह शब्द को हटाने के लिए लगाना पड़ता है, एक्सक्लेम्ड विथ शोरो। जब खुशी का भाव प्रकट होता है, हुर्रा या ओह बोला जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको इस हुर्रा या ओह शब्द को हटाने के लिए इंग्लिश में एक अलग फ्रेज यूज करनी होती है, एक्सक्लेम्ड विथ जोय। जोय का मतलब खुशी होती है, शोरो का ऑपोजिट हो गया। ये ब्रेवो शब्द को हटाने के लिए आपको केवल एक ही वर्ड को यूज करना पड़ता है, और वो वर्ड है एप्लुडेट। इसका अर्थ हिंदी में होता है प्रशंसा करना, एप्लुडेट। व्हाट और हाउ से जब एक्सक्लेमेशन होता है, सरप्राइज होता है, तो वहां पर इंग्लिश की फ्रेज जोड़ी जाती है, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। क्लियर? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी होगी ये बातें कि इन शब्दों को हटाने के लिए, अल्लाह, सुर्रा, ब्रेवो, व्हाट, हाउ, इन शब्दों को हटाने के लिए आरवी में ये चेंज हमें करने होंगे, आरवी में चेंज। या यूं कहूं कि सैड अथवा सैड टू के स्थान पर हमें ये फ्रेज जोड़ के आनी होंगी, एक्सक्लेम्ड विथ शोरो, एक्सक्लेम्ड विथ जो, या एप्लुडेड, या एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। इस तरह की फ्रेज हमें आरवी में लगानी होंगी। सेकंड, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो कंजक्शन आप लगाते हो वो कंजक्शन यूज करना होगा आपको दैट, और दैट के बाद जो सेंटेंस होगा वो सिंपल होगा, क्योंकि पहले वाक्य लिखा रहता है एक्सक्लेमेटरी में और फिर उसको हमें चेंज करके बनाना कैसा है, सिंपल। कैसे सर? एक एग्जांपल देखिए। अगर मान लीजिए आप कोई इस तरह का वाक्य लिखा हुआ देखते हैं, अल्लास सी हैज डाइड, किसी की मृत्यु पर आप दुख प्रकट करते हैं, सी हैज डाइड, इस तरह की बात है, वो इस तरह से इन्वर्टेड कोमा में लिखी हुई है। तो इसको जो भी व्यक्ति कहने वाला है, ही सेड टू मी, तो यही बात जब मैं किसी दूसरे व्यक्ति को कहूंगा तो मैं ऐसे कहूंगा, ही
एक्सक्लेम्ड विथ अल्लाह को हटाने के लिए मैंने अभी बताया है शोरो शब्द का प्रयोग करना है एक्सक्लेम्ड विथ शोरो दैट सी हैज डाइड क्लियर इस तरह से ये सेंटेंस लिखा जाएगा नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के नए सेंटेंस की बातचीत करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत